अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज टी टाइम स्नैक्स में मैं आपके साथ में नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके सारे इंग्रेडिएंट जो है हमें किचन में ही मिल जाएंगे। इसे आप हफ्तों तक एयरटाइट कंटेनर में रख के खा सकते हैं, बहुत ही फ्रेश रहते हैं ये और ये होममेड है तो बहुत ही मज़ेदार रहते हैं। पैन में मैंने 1 से 1.5 कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है और यहाँ पर मैं डालूँगी कुछ मसाले, जो कि मेरे पास एक बड़ा सा चम्मच मिर्ची का है और नमक है, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, तो थोड़ा क्रश कर लिया है मैंने इसे अजवाइन को, और हींग 1 छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच मेरे पास हल्दी है। तो ये सारा कुछ हमारा जाएगा इसी के अंदर बेसन में। सो हम ये दिवाली स्पेशल नमकीन बना रहे हैं, तो ये थोड़ी और खस्ता और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा हल्का गर्म है ये, यानी आप एक देखिए जो चाय की जो छोटी सी प्याली होती है ना, उसी के मीन्स साइज़ की वो है। सो अब इसे हम पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हमारे मसालों को, और फिर पानी डाल के इसे धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, मीन्स इसका डो बनाएंगे हम। थोड़ा सा पतला रहेगा ये, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो देखिए ये मैंने अच्छा सा इसे बेसन को मिक्स कर लिया है हमारे मसालों में, तो ये इतना ही हमें इसे चाहिए होगा, मतलब ज़्यादा सख्त डो नहीं चाहिए, एकदम नरम सा चाहिए। अब मैंने इसे देखिए एक सांचे में इसे तेल लगा लिया है इसी के अंदर, और देखिए इसके अंदर जो मैंने ये डाला है ये 3 नूडल वाला डाला है। सो बस इसे अच्छे से रख के और इसे हम फिल कर देंगे, थोड़ा सा लेते जाएंगे। हमारे सांचे में हमने बेसन डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा नीचे निकलना स्टार्ट भी कर दिया इसने। सो अब हम तेल मेरा काफ़ी ज़्यादा गर्म था, सो मैंने इसे कर लिया है स्लो, और स्लो आंच पे मैं ये बस इसे डालती जाऊँगी और इसे हम तलते जाएंगे फटाफट से। देखिए हो रहा है ये शेप, तो आप कैसे भी इसे आप दे सकते हैं क्योंकि हमें नमकीन ही बनाना है, तो ये कैसे भी शेप अपना ये होल्ड कर लेगा। देखिए नमकीन हमारी एक साइड से अच्छे से तल चुकी है, इसे हम पलट लेंगे और पलट के ये साइड से भी अच्छे से तल लेंगे। सो देखिए हमारा ये फर्स्ट बैच जो है हमारी चकली की वो मैंने वो हो गई थी, तो मैंने इसे निकाल लिया। अब हम यहाँ पे मैं सेकेंड बैच डालेंगे। इसका जो नूजल है ये मैंने फ्लैट वाला कर दिया है, रिबिन वाला जिसे कहते हैं, तो बस इसे भी हम ऐसे ही लंबा लंबा डालेंगे। सो देखिए ये रिबिन वाले भी हमारे तैयार हुए हैं, इसे भी हम अभी निकाल के साइड में करेंगे। देखिए दो तरीके के हमारे नमकीन बनके तैयार हुए हैं, एक रिबन्स वाले और एक चकली टाइप का। अब ये मेरे पास थोड़ा सा जो बेसन पड़ा है इसे मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, लगभग 1 से 2 चम्मच मैंने पानी डाला है इसमें। थोड़ा इसे हम लिक्विड करेंगे, अब इसकी बनाएंगे हम बूंदी, क्योंकि मिक्सर में सारे प्रकार के जो नमकीन बनते हैं, सो इसमें मैं सोच रही हूँ ट्राई कर रही हूँ बूंदी की। हमारा जो है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हो गया है, सो इसे मैं एक चम्मच लूँगी इस टाइप का, इसे हम लोग कबगीर कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, बस इसे थोड़ा ऊंचाई पे से आप डालते रहेंगे। सो तो ये बराबर बूंदी के शेप में ये नीचे गिरता रहेगा। वे बूंदी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारा पोहा, जो कि मैंने लिया है कुछ 1 कप। पोहा बहुत जल्दी से सिकने लग जाता है तो हम फटाफट इसे निकाल लेंगे। देखिए ये फटाफट हो गया, अब ये बस इसे निकालना है हमें। देखिए यहाँ पे पोहा भी हमारे फ्राई होके निकल चुके हैं, अब यहाँ पे हम डालेंगे हमारा कॉर्न, ये भी लगभग 1/2 कटोरी है। ये जो कॉर्न पोहा है ये हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। सो देखिए ये कॉर्न भी हमने फ्राई कर लिए हैं, अब मैं यहाँ डालूंगी 1 कप हमारे पास नारियल है, उसे भी हम डालेंगे। मैं नारियल को छन्नी में ही तल लूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी से काला होने लगेगा, जलने लगेगा बाद में। अब आती है इसकी बारी, ये है हमारे पास पीनट, वो भी हमारे पास 1 कप है, बस इसे भी हम फटाफट जल्दी निकाल लेंगे। सब हमारा फाइनली पीनट्स भी आ गया है इसी के अंदर। अगर आप चाहते हैं तो इसी में आप इसमें अपना ड्राई फ्रूट्स भी डालते रह सकते हैं, काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मुझे तो बस इतना बस हो गया है। अब हमारा ये हो गया है नमकीन रेडी, बस थोड़ा सा इसे हम सीजनिंग करेंगे।
सो देखिए कितनी अच्छी और कितनी करारी खस्ता बनी है। हमने इसमें ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा कुछ नहीं डाला है, और सिर्फ ये जो हमने तेल घी डाला था थोड़ा हल्का गर्म करके, ये उसी से ही देखिए कितने अच्छे टेस्ट, देखिए कितने अच्छे वाले एकदम करारे वाले एकदम खस्ता बने हैं। सो अभी मैं इसे कर लेती हूँ मिक्स और फिर इसकी सीजनिंग करेंगे। तो देखिए हमारा मिक्सचर हो गया बनके रेडी और काफ़ी सारा बन गया है, मिनटों में बन जाता है ये। हम बाहर से अगर लेने जाएंगे तो कॉस्टली भी पड़ता है, प्लस इसके अंदर हमने पता है हमें तेल कौन सा यूज़ किया है। सो अब इसमें हम सीजनिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है 1 चम्मच लिया है, और सादा नमक लिया है आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर लिया है आधा चम्मच, जीरा पाउडर लिया है आधा चम्मच, 1 चम्मच मैंने लिया है मिर्ची का पाउडर, और एक बड़ा सा चम्मच हमने लिया है चाट मसाला। तो ये सभी को इसी में डालेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे। सो लीजिए तैयार है देखिए हमारी ढेर सारी नमकीन बनके। और जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो पता नहीं हमें कौन सा तेल यूज़ होता है, तो हमने अभी इसे घर में बनाया है, हमारे हाथों से बनी है ये चीज़ें, तो बहुत ही अच्छी और एकदम हाइजेनिक तरीके से हमने बनाई। तो ढेर सारा नाश्ता है ये, ढेर सारी नमकीन तैयार कर दी। इसे आप एयर टाइट में बन करके हफ्तों तक रख सकते हैं, घर में कोई मेहमान आए उन्हें भी दे सकते हैं। तो फेस्टिव सीजन में इसे ज़रूर बनाइए, अपनी दिवाली को स्पेशल बनाइए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।